अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संडे सेंट जुल्फिकार एंड टुडे आई एम सॉल्विंग द पेपर ऑफ आदम जी कोचिंग सेंटर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज है कि वेरी स्मॉल केसी वैल्यू शोस के फॉरवर्ड रिएक्शन विथ नेग्लिजिबल स्पीड। तो बहुत छोटी जो वैल्यू होती है केसी की, इससे हमें क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत स्लो स्पीड में हो रहा है। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज़ अ ग्रेटेस्ट एन प्लस एल वैल्यू। तो किस ऑर्बिटल की ग्रेटेस्ट एन प्लस एल वैल्यू होगी? तो 4f की होगी सबसे ज़्यादा एन प्लस एल वैल्यू। थर्ड है, रियल गैस ओबेज गैस लॉ से डैश। रियल गैस जो होती हैं वो गैस लॉ को फॉलो करती हैं नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे। फोर्थ है, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस x प्लस एन द x इज डैश। तो यहाँ पर 6+2 8 हो जाए ना, 8 यहाँ ऑक्सीजन का होता है तो ऑक्सीजन बनेगा। फिफ्थ है, विच हैव जीरो डायपोल मोमेंट। तो जीरो डायपोल मोमेंट इनमें से हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, बिकॉज ऑफ लीनियर शेप। सिक्स है, एबिलिटी ऑफ एन आइन टू फॉर्म हाइड्रेट डिपेंड्स अपॉन डैश। तो वो चार्ज डेंसिटी, साइज ऑफ आइंस और चार्ज सब पर डिपेंड करता है, तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। सेवन्थ है, ग्राम इस्टेब्लिश्ड अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट्स और डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन डैश। तो ये ऐसा नहीं आता पेपर में कि एयर किस एयर में ये लॉ दिया गया, तो ज़रूरत नहीं उसको पढ़ने की। नेक्स्ट है, एन प्लस एल वैल्यू फॉर ऑर्बिटल ए इज 2+1 वाइल बी इज 3+0। द ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, तो बी की एनर्जी ज़्यादा होगी ऐसे बिकॉज ऑफ हायर एन वैल्यू। नाइन्थ, ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डैश। वो ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी होती है उनको हम लोग डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। एफ टू मॉलिक्यूल फॉर्म होता है कैसे भाई? SS ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। 11th है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिथेन एट अ गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्स। द मॉलिकुलर मास ऑफ एक्स इज डैश। कह रहे हैं कि मिथेन की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डबल है, इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्स, एक्स के डबल है। तो मिथेन का 16 है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका जो जो गैस हो जाएगी इसका मॉलिकुलर मास हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, 8 हमारे पास जो है उसका मॉलिकुलर मास आ जाएगा, और 8 यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी इट इज़ ऑल्सो नॉट अ करेक्ट एमसीक्यूज। 12th है, द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डैश। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है हमारे पास डिबाय। 13 है, द मास ऑफ 11.2 DMQ ऑक्सीजन गेट एज STP। तो ये हाफ मोल हो गया, तो हाफ मोल हमारे पास 16 ग्राम हमारे पास होता है O2। नेक्स्ट है, 58.0 है सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। किस दी एलो 3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कोलेंट की कितनी निकलेगी? -8+1। तो ये प्लस का, तो ये -6+1, तो ये हमारे पास जो है वो प्लस की 5 निकल जाएगी। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड पर लीटर्स या DM³ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। 19th, व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज हाइड्रोलाइज द सॉल्यूशन विल बी, तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा बिकॉज वो वीक बेसिक सॉल्ट है। 20 है, इन डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड एक्सेप्ट वाटर सराउंड सॉलिड पार्टिकल्स। तो कौन से प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड को सराउंड कर लेते हैं चारों तरफ से, तो ऐसा सॉल्वेशन में होता है। अगर वाटर हो तो उस सूरत में हाइड्रेशन होता है। 21 है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डैश विद इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, 22 है, अ मॉलिक्यूल हैविंग 3 बॉन्ड पेयर बट नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रायगोनल प्लेनर। उसके बाद नेक्स्ट है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोलारिटी पर सेकेंड। नेक्स्ट है, रिएक्शंस विथ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रोसीड विथ स्लो स्पीड। नेक्स्ट है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। द रिएक्शन दैट अकर इन दिस इज डैश, तो CrO4-2। तो यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर तो +3 है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर जैसे कि मान लेंगे +7 है, या +7 तो नहीं, सॉरी +6 हो जाएगी, +6 है,
वैलेंसी कम हो रही है तो यहाँ पर इसकी रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी इन पी ओ फोर माइनस थ्री, ये हो जाएगा माइनस का एट, उधर जाएगा प्लस का एट, प्लस का एट माइनस का थ्री, तो ये हमारे पास जो है वो प्लस का फाइव आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कंप्रेसिंग द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ डैश, तो जब इसको कंप्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, फेवर्स रिएक्टेंट फेवर्स प्रोडक्ट कंज्यूम्स एट ओ फोर कम्प्लीटली डो नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ प्रोडक्ट के मोल्स जो है वो आपके पास ज़्यादा हैं, तो जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेस करने पर जो है वो रिएक्टेंट साइड पे रिएक्शन मूव करना शुरू कर देगा। 29 है रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन डैश, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। 30 है डिसोसिएशन ऑफ केस एलो थ्री इज डैश प्रोसेस, तो इररिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट है बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड, वन मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किसके बराबर होगा, तो 98 ग्राम के बराबर होगा। डैश इन एज एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, उनमें से सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर है, 4.184 जूल के बराबर है। नेक्स्ट है 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूस करेगा एक्स ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कम्प्लीट कम्बस्टन, तो 12 ग्राम कार्बन जो है वो प्रोड्यूस करता है एक्स ग्राम, एक्स ग्राम से मुराद यहाँ पर क्या हो जाएगी इसमें, तो 12 ग्राम है सी प्लस ओ टू, 44 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। इट इज़ एन इफ इन एन आइडियल गैस देर आर डैश बिटवीन मॉलिक्यूल, आइडियल गैस में नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म आर वैलिड फॉर ओनली सॉलिड्स, देर विल बी नो यूनिट ऑफ केसी व्हेन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल टू द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट द रिएक्शन विच इज टोटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्टेंट विच इज टोटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। 1 dm³ ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1000 cm³। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन वॉल्यूम इज कैप्ट कॉन्स्टेंट द हीट इक्वल टू, तो उस वक्त हीट बराबर होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। लास्ट दिस मॉलिक्यूल हैव हाइएस्ट बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पर हमारे पास हाइएस्ट बॉन्ड एंगल किसका निकलेगा, 10 इसका निकलेगा 107, इसका निकलेगा 109.4, इसका निकलेगा 119 डिग्री, उसके 120 डिग्री निकलेगा ट्राइगोनल। यस, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, बाकी सेक्शन बी और सी है वो भी मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आप उसको जो है वो देख लीजिएगा। ये सारे आदमजी कोचिंग सेंटर के फर्स्ट ईयर के सारे एमसीक्यू उसके सॉल्यूशन मैंने करा दिया। अगर लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होगा नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सन्नासी दुल्फ़कार को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।